क्या 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 आज इस सिस्टम का जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया गया, आप कितना फिटनेस को मानते हैं? तो सबसे पहले तो मैं सनी पाजी और नीरज का को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही अच्छा इवेंट लेके आ रहे हैं वो. इट्स गॉट टू डू विद फिटनेस एंड आई नो हाउ मच फिटनेस उनके लिए क्या मतलब रखता है और कितना ज़रूरी है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू विश देम लक. और मेरे लिए फिटनेस का मंत्रा कि मैं सिर्फ यही बिलीव करती हूँ कि बर्न मोर देन यू ईट. तो मैं वही कोशिश करती हूँ बिकॉज आई डोंट रियली डाइट. तो मैं जितना खाती हूँ उससे ज़्यादा बर्न करने की कोशिश करती हूँ. मैं ज़्यादा वर्कआउट नहीं करती, आजकल थोड़ा सा करने लगी हूँ. आई जस्ट बीन डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ वेट ट्रेनिंग, योगा, पार्कोर. अभी तो शूटिंग नहीं है, खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग अभी नहीं हो रही, वो हो चुकी है. वो अभी टीवी पे आने वाला है, पर हम अभी उसके लिए शूट नहीं कर रहे हैं. जी, बहुत अच्छा. फियर फैक्टर्स ऑलवेज बिन अ वेरी बिग ब्रांड और खतरों के खिलाड़ी के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. और बहुत अच्छा रहा है सफ़र. आई थिंक आई हैड अ लॉट ऑफ फन और मैं अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करती हूँ. मुझे नहीं पता कि कौन जीता है, बट ऑफकोर्स इज वन ऑफ द टॉप थ्री. और जितना प्यार मैं उन्हें करती हूँ उतना ही सभी को करती हूँ. सो आई लाइक टू विश ऑल द थ्री ऑफ देम लक. मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ पर लास्ट दो एपिसोड्स आई थिंक मैं मिस कर गई हूँ. मैं चाहती हूँ विनर्स रश्मि या आसिन में से कोई एक हो, बिकॉज बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, बहुत तमीज़ से रहते हैं, किसी के बाप पर नहीं जाते हैं. और नॉट ओनली दैट, उनका जो एक इमोशनल जर्नी रहा है दोनों ही आसिम और रश्मि का इस शो पे, वो भी बहुत अच्छा रहा है. बट अदरवाइज पारस इज़ अ फ्रेंड, तो उसके साथ मैंने शो किया है कर्ण संगनी. तो उस वजह से, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत स्वीट है, बहुत चिल्ड आउट है, तो मैं उसको भी सपोर्ट करती हूँ. उनके लव रिलेशन ट्रायंगल को कैसे देख रहे हैं आप? मैं आकांक्षा और पारस दोनों को ही जानती हूँ और इसी वजह से मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगी. लेकिन जो अंदर चल रहा है उसको क्या कहना चाहिए? मैं अभी, हम तो अंदर है नहीं तो मुझे पता नहीं है, पर मैं पारस को यही कहूँगी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. और आकांक्षा को भी यही कहूँगी कि बस जो दिल को सही लगे वही करिए. और एंड या आई मीन अभी 2 ही हफ्ते बचे हैं, वो लोग बाहर आके सब सॉर्ट कर देंगे. हम उनसे ज़्यादा आपको टेंशन है. थैंक यू.